अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब। डॉक्टर लुबनाज एब्सोल्यूट स्किन लेजर एंड हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक अब भिवंडी में, जहां हर तरह के स्किन ट्रीटमेंट जैसे एक्ने, स्कार, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल, स्ट्रेच मार्क, हेयर ट्रीटमेंट जैसे हेयर ट्रांसप्लांट, बियर्ड, आईब्रो, पीआरपी थेरेपी, साथ ही कॉस्मेटिक सर्जरी जैसे फेस लिफ्ट, नोज रीशेपिंग, लिपोसक्शन, टमी टक सर्जरी अफोर्डेबल और सेफ प्रोसीजर के साथ की जाती है। एक बार जरूर विजिट कीजिए डॉक्टर लुबनाज एब्सोल्यूट स्किन क्लिनिक एट शॉप नंबर 206 सेकंड फ्लोर कोनार मार्केट नेक्स्ट टू भिवंडी कॉर्पोरेशन ऑफिस जकात नाका भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम आए भिवंडी के धोबी तलाव स्टेडियम में और यहाँ पे हम आए हैं बाली मीना बाजार में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 5 दिनों का मेला लगा हुआ है, हम कहेंगे एक मीना बाजार लगा हुआ है और भिवंडी की जो महिलाएं बच्चे हैं उनके एंटरटेनमेंट के लिए, शॉपिंग के लिए और भी बहुत कुछ चीजें यहाँ पर है। तो हम आज इस पूरे मीना बाजार का हम जायजा लेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं आप लोगों के लिए और किन किन तरह की हम कहेंगे कि एंटरटेनमेंट है, किस तरह का एंटरटेनमेंट यहाँ पे लगाया गया है। 5 दिनों का ये मेला है, मैं आपको बता दूं, धोबी तलाव स्टेडियम में 7 दिसंबर से लेके ये 12 दिसंबर तक का चलेगा। तो हम देखते हैं कि ये पूरा जो मेला है, जो पूरा मीना बाजार है, इसका किस तरह से हम लोग किस तरह से सजाया गया है, क्या क्या चीजें रखी गई है, पूरा हम इसका दौरा करेंगे। तो आइए हमारे साथ में। खास करके मैं आपको बता दूं कि ये महिलाएं और बच्चों के लिए है, तो काफी बच्चे भी दिख रहे हैं और महिलाएं भी दिख रहे हैं। तो हम थोड़ा सा पहले घूमेंगे और बात करेंगे, देखेंगे कि किस तरह का यहाँ पे माहौल, तो काफी अच्छा दिख रहा है। दोस्तों तो हम यहाँ एक एक स्टॉल पे जाके देखेंगे कि किस तरह का जो यहाँ पे सजावट है और क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे है, सबसे पहले हम लोग जब एंट्री करते हैं तो यहाँ पे पान का स्टॉल है, फायर पान। तो यहाँ पे पान है, थोड़ा सा हम पान वाले से बात करेंगे। भाई थोड़ा सा बताएंगे क्या खास बात है आपके पान में? सब अलग अलग टेस्ट के पान है, बनारस है, कलकत्ता है, मकई है, कलकत्ता स्पेशल है, चॉकलेट है, फायर पान है। अच्छा, सब अलग अलग पान है। फायर पान कैसे है? फायर पान लिखा हुआ भी है। फायर पान पान पे आग लगा कर खिलाते हैं तो चटका लगता है क्या मुँह में? चटका नहीं लगता। अच्छा, तो खिलाने के बाद आग बुझ जाए। तो फायर का मतलब खास मकसद क्या रहता है? उसका टेस्ट अलग आता है और स्पेशल वीडियो पान रहता है, लोग जो उसको बनाते हैं और वीडियो वायरल करते हैं। अच्छा, खास वीडियो के लिए बनाया जाता है। चलो बहुत अच्छी बात। तो कोई आएगा तो उसका रेट क्या है? 50 रुपया है। ये देखो यहाँ पे हम फायर पान खाने के लिए खाने जा रहे हैं। जी, साकबीर पान वाला औरंगाबाद, औरंगाबाद से आए आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाप रे, ये तालू वालू तो नहीं जल जाएगा ना इसमें? हाँ, सब बचा हुआ है, सब कुछ ठीक है। मैं बता दूं कि जो स्मोक का फ्लेवर आता है, स्मोकी फ्लेवर रहता है, खास करके लोग इसीलिए खाते, तो बहुत अच्छा वाकई में। तो थोड़ा बताएंगे कि क्या क्या मिला होता है पान में? कुछ कुछ रहता है, फ्रूट रहता है, गुलकंद रहता है, सब क्वालिटी अच्छी रहती है। दूध पाउडर है, जेली जो रहता है शरीर बच्चों के लिए, वो भी अच्छी चीज रहती है, उसमें कोई हार्मफुल नहीं रहता, कोई चीज नहीं है। अच्छा, क्या नाम बेटा तुम्हारा? बोबरे हिबा मोहम्मद अजीब। तो हिबा, तुमने पान खाया यहाँ पे? हाँ। कैसा था पान? बहुत अच्छा था। क्या क्या था उसमें? हमने मीठा पान खाया, पता नहीं क्या क्या था लेकिन मीठा था। अच्छा, यहाँ पे मजा आ रहा है कि नहीं? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है।
कैसे मजा आ रहा है बताओ? तुम्हारी बात सुन के तो लग रहा है कि तुम कल से इधर ही हो। हाँ, हम अभी 3 दिन पूरा एंजॉय करेंगे। वाह वाह वाह। तो स्कूल कौन जाएगा? स्कूल तो सुबह में ही। अच्छा, सुबह में स्कूल, शाम में मिलो। ऐसा, चलो बहुत अच्छी बात है। गुड गुड गुड। तो दोस्तों, यहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पे शायद पाकिस्तानी सूट है। यहाँ पे मुझे पाकिस्तानी सूट है ना, तो ये इसमें आपके ड्रेसेस में क्या खास बात है जो कि बाहर दुकानों पे नहीं मिलती? सबसे पहले तो कम प्राइस है, हम लोगों की बहुत मार्जिन बहुत ज्यादा कम है। अच्छा, और दूसरे स्टॉल लगाए इसके लिए कि लोगों को पैसे, हम लोग के पास से जो सामान मिले उसके बाद वो हमारी शॉप पे भी चलता है। अच्छा, आप लोग की शॉप भी है? अच्छा, कहाँ पे आपकी शॉप? मेरी शॉप है के सामने। अच्छा, तो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, यहाँ पे पब्लिक आ रही है। अच्छा अच्छा, आप कुछ कहना चाहेगी? अबाया है क्या? रिस्पॉन्स माशाल्लाह बहुत अच्छा है और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो एक मैं आपको बात पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे क्या लोग बार्गेन कर रहे हैं? हाँ, वो तो लेडीज का पैशन है, उसके बगैर कैसे शॉपिंग होगी? अच्छा, मतलब बार्गेनिंग के बगैर शॉपिंग ही नहीं होगी? नहीं होगी, ऐसा है। आप कहीं भी चले जाओगे ना, बार्गेनिंग की शॉपिंग नहीं होगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब बार्गेनिंग में भी तो कुछ मजा आता है ना, कि हाँ मैं इतना कम करके लेके आ गया, है ना? ऐसा रहता है ना लेडीज को? बोलेंगे ना कि हम लोगों ने उन्होंने 1600 बोला था, हमने 1200 में लेकर आया। अच्छा, तो मतलब आप पहले ही 1600-2000 बोल देते हैं? अचीवमेंट ऐसे लगता है कि कम करवा लिए प्राइस। नहीं तो आप लोग भी लेडीज है तो आप लोगों को भी एक्सपीरियंस होगा ना के एक लेडीज की धार तक कम करवा सकती है, बरोबर है ना? तो वो हिसाब से हाँ, 2000 बोलो, 1200 में करके लेके। हमारा माइंडसेट पहले से ही रहता है, कौन कितना करवा सकता है। मतलब अच्छे बिजनेसमैन है, बिजनेस वुमेन है। ठीक 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 है, चलो चलो, थैंक यू। बैग्स वगैरह भी है काफी अच्छे और सस्ते में। अच्छा, 350 में दो है? 350 में दो कॉम्बो पर्स है, और मतलब भिवंडी में मेरे सिवा ये किसी के पास ये माल नहीं है। क्या बात है, 350 में देखो तो सही। इसमें और भी क्वालिटी आता है, अलग अलग सब पूरा लगा हुआ है। इधर देखिए सर आप। अच्छा, वहाँ पे सब पूरा लगा, तो सब लेडीज पर्स है? हाँ, लेडीज पर्स। क्या यार, जेंट्स से इतनी दुश्मनी आप लोगों को? तो फिर दो चार रखने का था ना? मार्केट नहीं है ना सर, ये जेंट्स की मार्केट नहीं। क्यों, लेडीज अपने जेंट्स के लिए नहीं लेके जा सकती है? गिफ्ट के लिए, इसके लिए एक्सपीरियंस की बात नहीं है, तुम लोग चाहते नहीं हो सर। और ये देखिए 200 में ओनली, ये देखो 200 का है, ये मार्केट में 250-300 रुपए का बिकता है। अच्छा, मेरे पास इसमें और भी सब सारे बहुत सारे वैरायटीज हैं। तो 50 रुपए रिक्शा भाड़ा करके यहाँ आएंगे तो यार 200 मिलेगा, वही भाव हो गया ना यार। सर क्या करें सर। चलो ठीक है, थैंक यू। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो यहाँ पे स्पेस छोड़ा गया है, कि अगर आप शॉपिंग करते करते थक गए हो, आप घूमते फिरते या तो फिर सैर सपाटा करके थक गए होगे, तो यहाँ पे आप आराम से बैठ कर इत्मीनान से अपने स्नैक्स इंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे ये स्पेस छोड़ा गया है। और वाकई में हम देख रहे हैं कि काफी जो महिला है काफी सुकून से बैठकर जो है ये शाम का मजा ले रही है। होममेड केक है? हाँ, ये होममेड केक है। क्या खास बात है आपके केक में? ये केक होममेड रहता है और फ्रेशली बेक केक रहता है। आप मिनिमम 2 घंटा पहले भी ऑर्डर दोगे ना तो आपको ये मिल जाएगा। 250 रुपए का हाफ केजी होता है और ये खास बात है कि ये बहुत रीजनेबल प्राइस पे होता है। रीजनेबल प्राइस मतलब क्या, क्या पर केजी पड़ता है? पर केजी 400 रुपीज है। ऐसा आप फ्लोर में लोगे ना तो ये 500 पर केजी है। अच्छा, आपको डॉल केक मिलेगा, फ्रैंक केक भी बनता है, बार्बी डॉल। सब आप लोग ही बनाते हैं घर में? हर केक बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। और ये सब, ये सब क्या है? इसमें डालने वाली डेकोरेटिव स्प्रिंकल्स है जो अभी आपको डाल के देंगे आपके अकॉर्डिंग। आराम से ले लो। ठीक 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 है। एक ग्लास बीच में। अच्छा तो लग रहा है ये 70 रुपीज का। गुड गुड, ठीक है। तो मेरा बचपन याद आ गया। देखो ये यहाँ पे नल्ली बटाटे, बरोबर ना? ये बचपन याद आ गया मेरा सच में। लेकिन हमारे बचपन में ना नल्ली ना पीली होती थी, अभी कलरफुल आ गया, कलर बहुत आ गया, केमिकल बहुत आ गए है ना इसके लिए। लेकिन वाकई में, और ये क्या है? ये फ्रूट केक है। फ्रूट केक है तो मैसूर दिख रहा है। मैसूर जैसा ही है। अच्छा, फ्रूट केक इसको बोलते हैं। तो ये आप लोग ने घर में बनाया? घर में बनाया है हम लोग ने। अच्छा, ठीक 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 है। तो इसका क्या 20 रुपया है? ये ओनली फॉर 20 रुपया, सबसे कम प्राइस है। 20 रुपये सबसे कम प्राइस है? ये सस्ता सस्ता हर चीज। ऐसा, सबसे सस्ता, सबसे सस्ता। लेकिन सबसे अच्छा है कि नहीं ये बताओ? आप खा भी सकते हो, चेक भी कर सकते हो, आप लोग फ्री। अरे वाह वाह, थैंक यू थैंक यू। तो हम कल आएंगे, मैं कल थैली लेके आऊंगा इंशाल्लाह। ये क्या है? ये टेबल है, बच्चों का स्टडी टेबल। अच्छा, एक ही साथ 3-3 लगाए क्या? वाह 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 वाह, ये भारी काम किया आप लोगों ने। देखो यहाँ पे अलग अलग तरीके के। वालेकुम अस्सलाम, क्या हुआ, खैरियत है? बहुत अच्छा, वाह शॉपिंग।
अलग अलग तरीके के जो स्टॉल्स है और हर स्टॉल पे आपको देखने मिलेगा क्या हमारे सब्सक्राइबर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सोडा किंग, सोडा किंग के नाम से फेमस, और सोडा किंग पे मेरे को लग रहा है बहुत ज्यादा गर्दी है। थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे सोडा किंग में, तो ऐसा क्या आप पिला रहे हो कि इतनी गर्दी लगी है बताओ। ये हमारा थाना रोड पे एक शॉप है सोडा किंग, भिवंडी का मशहूर जी। आपको मोजिटो मिलेगा, स्पेशल में क्रश मिलेगा, मॉकटेल मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे तो फिलहाल हमारे पास मोजिटो है। हाँ, बाकी हमारे पास मॉकटेल भी रहते हैं। क्रश वगैरह यहाँ नहीं रखे हो क्या? यहाँ पे अभी आप देख यार रहे हैं। ये गलत किया तुमने यार, मैं क्रश भी तो आपने क्रश ही नहीं लाया है कि नहीं। चलो कोई बात नहीं। तो ये आप कितने का ये कर रहे हो? ओनली 30 रुपीज। 30 रुपीज ओनली होता है? वो 20 रुपए बोल रहे थे यहाँ 30 रुपीज है। थोड़ा नहीं, मतलब अलग अलग आइटम है 10-20 रुपए का, तो 30 रुपए ज्यादा नहीं है? नहीं नहीं सर, ये आपको 150 में 200 में मिलेगा कैफे वगैरह में। क्या बात कर रहे हो? अच्छा, तो दोस्तों देखो यहाँ पे काफी बच्चों की भीड़ है, और बच्चों की भीड़ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कुछ हमको अनोखा देखने मिला, कुछ यूनिक देखने मिल रहा है। वाह 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 वाह। ठीक है, स्मोक बिस्किट है ये देखो, ये देखो ये कितने का है स्मोक बिस्किट? 50 रुपए। 30 रुपए और 50 रुपए। आप तो क्या खास बात है इसमें, कैसा क्या रहता है ये स्मोक? जैसे मेले के अंदर में आए, हाँ, तो मेले में हर कोई एक एंजॉय के लिए आता है, एंटरटेनमेंट के लिए आता है, तो हम लोगों की ये कोशिश रहती है कि भाई एक सस्ते रेट में। नहीं, ये स्मोक क्या रहता है? ये स्मोक ऐसा, ये इसमें फ्लेवर आएंगे बिस्किट, जब आप खाओगे तो वहाँ से स्मोक आ जाएगा। ये तो स्मोक रहता क्या है, मतलब कुछ ये नुकसान रहता है? नुकसान तो कुछ भी नहीं है सर। अच्छा, ये लिक्विड है, स्मोक का लिक्विड है, ये बच्चे खाते हैं, लेडीज खाती है, हम आप खाते हैं। अच्छा, ये बिस्किट खाएंगे तो वहाँ से स्मोक आता है बस। अच्छा, और कुछ ये क्या है? ये स्मोक इसमें नाइट्रोजन रहता है, ये नाइट्रोजन जिसको हम लोग इसमें स्मोक के लिए यूज करते हैं। अच्छा, बच्चों को सिगरेट उठता नहीं तो इसका मजा यहाँ पे ले रहे हैं लोग, है ना, और वो एंजॉय कर रहे हैं। बरोबर है, बरोबर है, बरोबर है, ठीक है ठीक है। सबको शौक होता है, लाओ एक मेरे को भी दिखाओ। ये तो डबल एप्पल का फ्लेवर आ गया। तो दोस्तों बड़ा मजा आया स्मोक बिस्किट खा के, और स्मोक का फ्लेवर ही अलग था। तो हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे, देखिए मेले की शान होती है हलवा पराठा, वो यहाँ पे बिक रहा है। इधर आओ, इधर दिखाओ थोड़ा सा हलवा पराठा। देखिए ये मैं आपको बता दूं कि ये भिवंडी के हर मेले की शान है हलवा पराठा। मतलब अगर ये हलवा पराठा नहीं है तो मेला ही नहीं है, ये समझ लो आप लोग, है ना, सही बात है कि नहीं? हाँ, तो ये यहाँ पे हलवा पराठा बिक रहा है, और काफी खुशबू काफी अच्छी आ रही है, हम टेस्ट तो बाद में करेंगे। और ये कौन सा खाने का है? चॉकलेट फाउंटेन। वाह वाह वाह, चॉकलेट फाउंटेन है यहाँ पे, तो देखिए जरा इधर देखो, चॉकलेट फाउंटेन है, लेकिन थोड़ा फाउंटेन जो है छोटा लग रहा है, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है, प्यारा लग रहा है। बाम, बाम देख उधर लेके, हाँ हाँ हाँ, बस ये इधर चॉकलेट फाउंटेन है। वाह, ये तो पिघल गई आधी। नहीं, नहीं ना, अच्छा थोड़ी सी ये मेल्ट हो गई। हाँ, ये क्या है, ये क्या है, एक मिनट थोड़ा सा बोलो। स्पायरिंग पोटेटो, ये बहुत मजा आता है खाने के लिए, और हमने काफी बार इसको टेस्ट किया है। ये देखो ये स्पायरिंग पोटेटो, आ जाओ, मेरा फेवरेट है, काफी अच्छा देखने में तो काफी मजा आ रहा है। अब वो तो मालूम नहीं प्रिपेरेशन पे है कैसा है। कितने का दे रहे हो? 20 रुपये। वहाँ पे बाजू में 30 रुपए का सोडा है, 20 रुपए का क्रश दे रहे हो। ये मॉकटेल है, वो सोडा है, ये दोनों अलग अलग चीज है। अलग अलग चीज, अलग रेसिपी, अलग मेथड, सब कुछ अलग, टेस्ट भी अलग है, टेस्ट भी अलग है। अच्छा अच्छा, तो मॉकटेल में क्या कुछ मिक्स वगैरह होता है क्या? मॉकटेल में कैसा, अपन बेसिकली जैसा सोडा बनता है, अपन को उसकी रेसिपी नहीं पता, अपन बनाएंगे कभी। मॉकटेल में कैसा जाता है, मिंट जाता है, लेमन जाता है, उसको सुबह सिरप जाता है, अच्छा, फिर सोडा जाता है, फिर जो भी अपन थोड़ा ब्लैक सॉल्ट डालते हैं। मतलब मॉकटेल का मतलब ही होता है कि सब मिला जुला के जो होता है ना, वही मैं बोल रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे वाटर बे के नाम से भिवंडी का एक अपना ब्रांड है, जो कि इन्होंने अभी अभी नया रिसेंटली स्टार्ट किया है, और देखेंगे सोडा में है ना कि प्लेन ये है। अच्छा, एरेटेड ड्रिंक से, तो थोड़ा सा बताएंगे कि क्या खास बात है आपके सोडा में और आपके ड्रिंक में? हम लोग का जो सोडा है टोटल आरओ पानी में बनता है। अच्छा, आरओ प्यूरिफिकेशन में पूरा बनता है, और इसके अंदर मतलब जितने भी है हमारे, जितने भी अभी स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया है, इसमें हमने खुद का एनर्जी ड्रिंक लॉन्च किए, स्प्रिंग के जैसा है, ये एक एनर्जी ड्रिंक है, ये तो ड्रिंक जो आता है जी, एनर्जी ड्रिंक उसके जैसा है, सेम कॉफी, ये रेडबुल का फ्लेवर है,
ये आपका लेमन है, अच्छी कड़ी है, हमारा खुद का पर्सनलाइज फ्लेवर है। अच्छा, पर्सनलाइज फ्लेवर है, स्पेशल फ्लेवर है। नहीं तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो सारी चीजें हैं तो ये आप लोग भिवंडी में ही भिवंडी में फैक्ट्री हम खुद बनाते हैं। इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है। कितना दिन हुआ स्टार्ट हो गया? अभी फर्स्ट स्टॉल है हमारा, ये फर्स्ट स्टॉल तो है लेकिन स्टार्ट मतलब जैसे कि ये कब से किया है? बस एक महीना हुआ है। एक महीना ही हुआ। अच्छा, हम लोग भिवंडी में प्लान कर रहे 10 कम से कम स्टॉल लगाएंगे। अच्छा, और जैसे कि ये एमबीए चाय वाला पंजाबी लेवल पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, चाय का चलता है सोडा का। बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा, नेक ख्याल है आपके। केक भी है यहाँ पे, कौन सा केक बोलते हैं इसको? पेस्ट्री भी है, चॉकलेट। ये हैंडमेड केक है? अच्छा सॉरी, होममेड। ये होममेड केक है और इसको हम कहेंगे कि काफी काफी ज्यादा टेस्टी। तो ये आप लोगों ने घर में बनाया है? यस, हमने घर में। तो आप लोग ऑर्डर्स देते हैं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा, ये हम लोग वाटर बे का गवावा फ्लेवर हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट तो अलहमदुल्ला बहुत अच्छा है। तो इसका क्या चार्ज कर रहे हैं आप लोग? ये 20 रुपीस का है, 15 रुपीस का है, 10 रुपीस का है। मेरे को कितने वाला पिला है? ये 20 रुपीस। अच्छा, मेरे को 20 वाला पिला है मुझे। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी राइड्स भी है जो कि एक मेले की रौनक होती है। जाइंट व्हील है यहाँ पे, फिर अलग अलग तरीके की राइड्स है। मेरे को सबके नाम तो नहीं मालूम है लेकिन सबको झूला ही बोलते हैं अगर हम लोग आम भाषा में बात करेंगे तो। सबका अलग अलग मजा है बैठने का और इसको खास करके औरतें और बच्चे बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो हम कोशिश करेंगे किसी से बात करने की और जानेंगे कि बैठने के बाद उनका क्या एक्सपीरियंस है। क्या नाम है तुम्हारा? खतीजा। मेरी बेटी का भी नाम खतीजा है। ओ हाँ, बैठी थी झूले में? कौन से झूले में बैठी थी? आसमानी झूले में। मजा आया कि डर लगा? सच्ची बोलना, डर लगा ना? ऊपर से नीचे आता तो डर लगता है ना, पेट में गुड़गुड़ होता है। ये बच्ची बोलो। पूरा नाम बोलो। एक बोलो, मायरा। स्कूल जाती है? झूले में बैठी थी? नहीं बैठी। अच्छा, अभी आए? अभी आए। झूले में बैठने के बाद में बताना कैसा लगा। हाँ, बैठेगी कि नहीं बैठेगी? नहीं बैठेगी, डर लग रहा है क्या? अरे अरे, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? शेख जूफा। शेख जूफा, मजा आ रहा है यहाँ पे? हाँ, बहुत मजा आ रहा है। क्या क्या मजा आ रहा है थोड़ा सा बताएंगे? झूले हैं यहाँ पर, खाने पीने की चीजें हैं और यहाँ पर और भी। नहीं, झूले तो है। तुम कितने झूले में झूले ये बताओ? मैं सिर्फ एक ही में झूली। तो फिर क्या मजा? फिर क्या मजा? एक ही में तो मजा आया, अभी और भी राइड करना बाकी है। अच्छा अच्छा, तो कौन सी झूले में झूली बताओ? ये आसमानी में। आसमानी में झूली? तो डर लगती थी क्या? हाँ, डर तो लगती थी। फिर भी बैठे का? और क्या क्या मजा आया? और तो बस घूम ही रहे हैं अभी। घूम ही रहे? अच्छा, शॉपिंग का कुछ एक्सपीरियंस लिया? कुछ खरीदा नहीं? कुछ नहीं खरीदा। नहीं, अभी तक कुछ खरीदा नहीं। क्या अब्बा ने दिलाई नहीं? अच्छा, मम्मी के साथ आई होगी ना? नहीं, फिर अकेले आई है? मम्मी के साथ आई। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो अच्छी बात है। एंजॉय करो, एंजॉय करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या नाम है आपका? मायरा शेख। मायरा शेख, तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका मेले को? बहुत ही अच्छा है। लोगों में जितना बाली ट्रॉफी का क्रेज है उतना ही मीना बाजार में औरतों का भी क्रेज है। अच्छा, तो ये मतलब एक खास औरतों के लिए आप लोग ने जीत किया होगा अल्ताफ भाई से कि हाँ आप लोग बाली ट्रॉफी कराते, सब जेंट्स लोग रहते तो हमारे लिए भी कुछ स्टार्ट करें। चाहिए हम लोगों ने चाहता और अब्बू से खास जीत किया कि जैसे जेंट्स के लिए बाली ट्रॉफी होता है तो लेडीज के लिए भी कुछ चाहिए, तो भी मीना बाजार लगवाए। वाह 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 वाह, ये अच्छा है। हाँ, हमारे घर में हमने सब क्या बोलते हैं सारे इवेंट्स पूरे कर लिए। अब हमें को ही रखना है भिवंडी में, पूरी फैमिली एंजॉय करे, जेंट्स लेडीज बच्चे सब लोग। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। तो अभी कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है इसका? नहीं, माशाल्लाह, जैसा सोचा नहीं था उससे अच्छा रिस्पांस है। और पब्लिक भी काफी कोऑपरेट कर रही है, साफ सफाई भी है, झूला वगैरह। अच्छा, ये जो अभी मैं आपसे थोड़ा सा पूछूंगा क्योंकि आप मैनेजमेंट में हो, के शॉपिंग और ये झूले वगैरह के अलावा भी कुछ और अट्रैक्शन आपने रखा है क्या? हाँ, हम लोगों ने आजकल यूट्यूब से वो पोटैटो ट्विस्टर करके चीज आती है उसका भी स्टॉल लगवाया है। फायर पान जो है वो लेडीज ढाबे वगैरह पर इतना जाती नहीं, तो यहाँ पर खास मीना बाजार में पाया पान भी रखा है, फालदे की वैरायटीज है। और सबसे अच्छी बात है कि कोरोना के बाद कोई कहीं गया नहीं है, तो ये एक प्लेटफॉर्म है कि जहाँ फैमिली इंजॉय करे, खासकर लेडीज, जेंट्स तो अपना चले ही जाते हैं। नहीं नहीं, लेडीज भी ढाबे पे काफी जाती है, हमने देखा है। नहीं, फैमिली जाती है। भिवंडी के ढाबे जो है ना वो इससे ही फेमस है। हाँ, वो सही बात है, बट काफी फैमिली तो नहीं जा पाती है। ठीक है ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने सबको इकट्ठा किया है? हाँ, ये हमारे यहाँ की जैसे हम क्रिकेट में सब चीज करते हैं, वैसे मीने बाजार में भी सब चीज रहना चाहिए, किसी को कोई शिकायत नहीं रहना चाहिए। चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपको और इसके अंदर जो है कामयाबी मिले,
ठीक है। हाँ हाँ, तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से हमने आपको सारा मीना बाजार का सैर कराया, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये एक्सपीरियंस पसंद आया होगा। मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप जो नहीं आए हैं वो भी यहाँ पे आके एक बार देखें कि कैसा एक अनोखा एक्सपीरियंस। मैं आपको बता दूं कि जिससे दीवान शाह का मेला लगता था, तो जिसका क्रेज होता था, लोग इंतजार करते थे कि दीवान शाह का मेला लगेगा, तो अब दीवान शाह का मेला नहीं लगेगा, दीवान शाह दरगाह रोड पे ही यहाँ पे जो है अल्ताफ अली ने और उनकी फैमिली ने ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। तो वाकई में ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है, तो मैं चाहूंगा कि आप सब यहाँ पे आके एक बार जरूर देखें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। जो लोग यहाँ पे आए हैं, जिन्होंने देखा कि उनकी शक्लें यहाँ पे आई है हमारे चैनल में, वो लोग तो जरूर सब्सक्राइब करें। मैं फिरोज विमान गवई जी से, थैंक यू।